हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं देखी ले ली हूँ दो कॉटन का ब्लाउज, जो सूती एकदम प्योर कॉटन होता है ना, उसी का ले ली हूँ ब्लाउज। और आज मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि दो ब्लाउज को एक साथ में कैसे काटते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी कि दो ब्लाउज एक साथ में कैसे काटते हैं। यहाँ पे देखिए, दोनों ब्लाउज पीस को लेके और आपस में अच्छे से जोड़ के, तो इसे मैं अच्छे से फोल्ड कर ली। और फोल्ड करने के बाद जितना ये थोड़ा सा बगल में जो था ना ब्लैक कलर का थोड़ा सा बड़ा था, तो उतना मैं छाट के निकाल दी हूँ। तो इसका पहले मैं निकाल ले रही हूँ मेजरमेंट कि कितना मुझे चाहिए चौड़ाई और लंबाई। तो अभी मैं आप लोग को भी दिखाऊँगी अच्छे से एकदम सामने से। ये देखिए, तो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 24 इंच और लंबाई इसकी रखी है 15 इंच। जो ब्लाउज की लंबाई होती है वो पूरी 15 इंच है, चौड़ाई है 14 इंच। 14 इंच का आधा यानी 12 इंच का ब्लाउज है, क्योंकि और काफ़ी थोड़ा बहुत छाटने उठने से जब ब्लाउज पूरा सिलती हूँ ना, तो काफ़ी कपड़ा छाटने में निकल जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ के लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसे अच्छे से 4 फोल्ड में फोल्ड कर दी हूँ। और अब यहाँ पे देखिए, मैं निकाल दे रही हूँ गला और कंधे का। तो यहाँ पे देखिए, गला का मैं रख रही हूँ चौड़ाई 2.5 इंच और कंधे की भी मैं रखती हूँ 2.5 इंच, क्योंकि शोल्डर ना मैं ज़्यादा नहीं रखती, शोल्डर में हमेशा 2.5 इंच ही रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए, जो गले है ना, तो उसकी जो डीप होती है उसकी लंबाई, मतलब आगे का हिस्सा है गला का, तो इसको भी मैं 2.5 इंच पर रख के एक लाइन ले लूँगी। और लाइन लेने के बाद फिर यहाँ से देखिए, मैं फिर 5 इंच पर लगा के यहाँ से ऊपर से मैं 4 इंच की एक लाइन ले लूँगी। अब ये 4 इंच की लाइन लेने से क्या रहता है ना, तो पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैं ले ले रही हूँ 6.5 इंच। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैं इसे गुलाई दे दूँगी। 6.5 इंच का मैं काख रखी हूँ, जिसे शोल्डर कहते हैं। और यहाँ पे मैं गले की भी गुलाई दे रही हूँ, इसकी गले की लंबाई मैंने रखी है 6 इंच। और फिर देखिए, नीचे 2.5 इंच पे मैं मार्क कर ले रही हूँ, और 2.5 इंच पे जो है ना, तो मैं एक लाइन कर लूँगी और ये हमारा निकल जाएगा योग पट्टी। तो यहाँ पे देखिए, 1 इंच का ऊपर की तरफ रखी, इस तरह से मैं गहराई में इसे दे दूँगी। और फिर जो हमारी बीच में प्लेट पड़ती है, तो यहाँ से देखिए, ऊपर से 9 इंच और बगल से 3 इंच पे, तो ये बीचों बीच का मार्क रहता है। तो इसी तरह से देखिए, मेरा पूरा तैयार हो गया। तो अब मैं इसका जो है कटिंग कर लूँगी। अब बहुत ही मतलब सादा ब्लाउज काटना मानो तो बहुत ही ऐसा मुश्किल से 5 मिनट का काम रहता है। जो ना भी पढ़े लिखे रहे ना, तो आज मैं इसलिए ज़्यादा मेजरमेंट का यूज नहीं करी, कि जो ना बहुत लोग हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, कि जिन्हें मेजरमेंट करने नहीं आता ना, तो वो भी ब्लाउज सिल लेते हैं, तो उनके लिए भी आसान तरीका रहता है। क्योंकि बहुत लोग को मैं देखी हूँ ना, कि नाप से ही पूरा ब्लाउज का सिल लेते हैं, और काफ़ी अच्छी फिटिंग भी आती है। तो यहाँ पे देखिए, जो दोनों ब्लाउज को मैं उसे अलग अलग कर ले रही हूँ, और इस पर भी मैं प्लेट, जो बीच की प्लेट पड़ती है, तो उसे प्लेट को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और ये सब मैं पहले ही कर लेती हूँ, और एक इतना अच्छी प्लेट देखने, मतलब फिटिंग आती है ना, एकदम जैसे कटोरी वाला ब्लाउज लगता है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये है जो योग पट्टी है, तो यहाँ पे जो शोल्डर के पास का कपड़ा निकला था, तो उसी को मैं ले लूँगा। और क्योंकि योग पट्टी है, कॉटन के ब्लाउज में डबल योग पट्टी लगती है, तो इसलिए मैं इसमें डबल करती हूँ। और ये वाला कपड़ा हिस्सा ना थोड़ा मैं बड़ा ही काटती हूँ, ताकि इसे अच्छे से सिलने के बाद फिर जो बचता है तो उसे मैं छाट देती हूँ। तो देखिए, अब इसे भी मैं अलग करके रख लूँगी, जो ब्लैक है उसे अलग कर लूँगी, और फिर अभी से सब कर लूँगी तो सही रहता है। यहाँ पे देखिए, पीछे का हिस्सा है जो मैं अलग कर ली थी, अब इसकी भी गला में बनाऊंगी। जो पीछे का हिस्सा होता है ना, तो उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा रहती है गले की। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पहले से काटी थी, तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच इसकी लंबाई रखूँगी। जो गला है पीछे का, उसका 9.5 इंच रखूँगी, और उसकी चौड़ाई रखूँगी 2.5 इंच। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से करके मैं इसे हल्का सा ना बस मंदिर शेप का, यानी पान गला का इसे शेप दूँगी, ज़्यादा नहीं दूँगी, बस हल्का, ताकि पाइपिंग करने पर बहुत मतलब इसमें ना तो मैं कोई बकरम का यूज करूँगी, ना ही किसी और कपड़े का यूज करूँगी, बस ताकि पाइपिंग करूँ ना, तो बहुत सुंदर ही लगेगा, हल्का सा बस कोना इसका बना रहेगा। तो चलिए, इसे भी काट ले रही हूँ, और फिर इसमें मैं डाल दूँगी पीछे की प्लेट। और प्लेट में हमेशा ना यहाँ से फोल्डेड साइड से 9 इंच की दूर, अरे सॉरी 4 इंच की दूरी पर लगाती है। देखिए, इस तरह से 4 इंच की दूरी पर मैं प्लेट डालती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मैं काट लूँगी बाजू, और बाजू के लिए मुझे चाहिए ना 10.5 इंच, और यह है बस 9 इंच, तो इसमें थोड़ा सा मुझे कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं इसमें थोड़ा सा कपड़ा जोड़ लेती हूँ, और जो पिंक वाला है ना, तो इसमें मुझे थोड़ा सा कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर वैसा रहता तो इसका मेरा कपड़ा बहुत है, लेकिन ये जो मुझे बाजू पे डिजाइन डालना है, जो इसका है ना, इसका बॉर्डर है, तो ये मुझे बाजू पे करना, तो इसलिए मैं देखिए इतना इतना कपड़ा इसमें 2.5 इंच के करीब कपड़ा जोड़ ली थी। तो यहाँ पर मैं बाजू की लंबाई रख रही हूँ 6 इंच, और यहाँ नीचे से मैं लूँगी 9 इंच, और फिर बगल से लूँगी 2.5 इंच, और जो ऊपर की तरफ से इस तरह से गहराई देते हुए यहाँ तक आके, और फिर इस तरह से मैं बाजू बना लूँगी, और ये हल्का सा थोड़ा सा डीप लगता है ताकि ये आगे के हिस्से पे लगता है। तो बाकी देखिए इसी तरह से मैं इसे भी काट ले रही हूँ बाजू को भी, और फिर इसे खोल के हल्का सा देखिए जो एक्स्ट्रा बनाई थी ना इसे भी छाट दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी बाजू भी हो गई है तैयार, और इसे ना मैं अभी नहीं काटूँगी क्योंकि इसका कपड़ा मेरे पास नहीं था, और पूरा ब्लाउज मेरा हो गया था कटिंग। कितना सरल तरीका था, आप लोग को भी दिखाई थी। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और फिर यहाँ पे जितना फैला था मैं सभी से समेट के रख दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कोई चीज़ फैला के रखो तो अच्छा भी नहीं लगता। मेरा काम हो है ना कि अगर कुछ भी काम करते तो सब वहाँ पर सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो चलिए अब आप सबसे मैं अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।